नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ओलिव ऑयल और शहद के फायदे बालों के लिए के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। जैतून का तेल और शहद दोनों ही बालों के लिए लाभकारी होते हैं। शहद का इस्तेमाल हम अपने दिनभर की कई खाने पीने की चीजों में करते हैं। यह हमारी सेहत के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी लाभकारी होता है। बालों को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए शहद का कई तरह से उपयोग किया जा सकता है। वही बालों के झड़ने की समस्या को आप समय पर रोक सकते हैं, क्योंकि इसे रोकना बहुत ही आसान है, मगर गंजेपन का इलाज मुश्किल होता है। ओलिव ऑयल एक प्राकृतिक तरीका है जिससे आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जैतून के तेल में आहार और सुंदरता के प्रति कई स्वास्थ्य लाभ पाए जाते हैं। जैतून का तेल और शहद बालों के उपचार के लिए एक घरेलू नुस्खा है। इन दोनों का मिश्रण बहुत ही आसानी से तैयार किया जाता है और यह बालों के लिए भी लाभकारी होता है। ओलिव ऑयल और शहद के फायदे बालों के लिए। जैतून तेल के फायदे। ओलिव ऑयल बालों के लिए अच्छा होता है। यह बालों को झड़ने से रोकता है और इससे बाल भी लंबे होते हैं। आइए जानते हैं इससे बालों को क्या फायदे हैं। सिर की मालिश। बाल झड़ने का कारण सिर की त्वचा में बैक्टीरिया और फंगस संक्रमण होना है। लेकिन जब आप जैतून के तेल से नियमित मसाज करने से संक्रमण और हार्मोन का स्तर कम होता है और यह बालों को झड़ने से रोकता है। बालों में कंडीशनर। अगर आप अच्छे बाल चाहते हैं तब आपको चाहिए कि आप अपने सिर की त्वचा को स्वस्थ रखें। गुनगुना तेल। अगर आप अपने बालों को लगाते हैं तो आपके बालों को मॉइस्चराइजर मिलता है और साथ ही यह बालों को मजबूत करता है। इससे आपके बाल मुलायम और मजबूत बनते हैं। आप बालों के लिए जैतून के तेल का कंडीशनर घर में ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरे में एक कप जैतून का तेल, एक अंडे का पिला भा गर और कुछ बूंद नींबू का रस डालें। इसे अच्छे से मिलाएं और सिर पर लगाएं। ध्यान रखें कि यह सारा पैक आपके सिर पर लगे 15 सेकंड 20 मिनट तक इसे लगा रहने दें। आप डीप कंडीशनिंग पेस्ट भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक कप गुनगुना ओलिव ऑयल चाहिए। गर्म करने के लिए इसे 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख सकते हैं। इसके लिए एक चौथाई कप में शहद मिलाएं और इसमें एक चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाएं और अच्छे से मिला लें। इसे अपने सिर पर 10 सेकंड 15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर शैम्पू कर लें। शहद का उपयोग बालों के लिए। दूध और शहद का इस्तेमाल बालों के लिए। गिरते हुए बालों को रोकने के लिए शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए शहद को दूध के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। शहद और दूध आपके डैमेज हुए बालों को हाइड्रेशन देता है, जिससे बालों को मजबूती प्रदान होती है। इसके इस्तेमाल करने के लिए दूध में 2 से 3 चम्मच शहद को अच्छे से मिला लें। इसके बाद यह तैयार किया हुआ मिश्रण अपने बालों में लगाएं और कम से कम 20 मिनट तक इसे लगाकर रखें। इससे बाल घने और सिल्की बनते हैं। अंडा और शहद बालों के लिए। अंडे का शहद के साथ इस्तेमाल करने से भी बालों को मजबूती प्रदान होती है। इससे बाल चमकने लगते हैं। इसके लिए 2 अंडे और 2 बड़े चम्मच शहद में मिला लें और इसे अच्छे से मिक्स करें। तैयार किया हुआ मिश्रण को अपने बालों पर लगाएं और इस मिश्रण को कम से कम 20 मिनट तक लगा रहने दें और बाद में शैम्पू की सहायता से बालों को अच्छे से धो लें। शहद और जैतून का तेल बालों के लिए। शहद को जैतून के तेल के साथ इस्तेमाल करने से बालों को मजबूती प्रदान होती है। इसके लिए 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच शहद के मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। इसके बाद तैयार किए हुए मिश्रण को अपने पूरे बालों पर लगाएं और बाद में अपने बाल शैम्पू से धो लें। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डनके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।